तो जी अक्सर यहाँ पे फैमिलियों को होता है कि जी बड़े बड़े टप नहीं मिलते यहाँ पे, जैसे पाकिस्तान में होते हैं देसी टप। तो जनाब यहाँ पे बड़े बड़े टप भी जो हैं अन्ने वाह मिल जाते हैं, और ये टप की कीमत जो है कोई नहीं लिखी हुई यहाँ पे, लिखी होगी हाँ वो देखें जनाब, 6.5 यूरो का ये वाला टप है, 5.5 यूरो का ये वाला है, और 6.5 यूरो का ये गोल वाला टप है। तो जनाब ये शॉप का नाम है जोंदर प्राइस बाव मार्क। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ जो है घर के पेच कील अंदर जाके आपके साथ मैं वीडियो शेयर करता हूँ, और ये दुकान है आपको इस दुकान से हर चीज़ जो है सस्ती मिल जाती है। तो ये जनाब दुकान की एंट्रेंस है, यहाँ पे बाल्टी है, नमक और काफ़ी चीज़ें जो है आपको मिल जाती हैं, और यहाँ पे जनाब आपको गार्डन की डेकोरेशन के लिए ये पत्थर और ये कोले मट्टी वगैरह भी मिल जाती है। इस तरह की दुकानें ओबी बाउ मार्केट और काफ़ी शॉप बड़ी बड़ी मार्केटें हैं यहाँ जर्मनी में, पर वहाँ पे चीज़ ढूंढने के लिए आपको पूरी मार्केट घूमनी पड़ती है और हर चीज़ को जनाब है टोना पड़ता है। और ये छोटी छोटी मार्केटें हैं जोंडरान की बोर्ड की पूरे जर्मनी में, और यहाँ पर आपको ये गमले प्लास्टिक के और ये जनाब प्लास्टिक की टोकरियाँ और ये काफ़ी चीज़ें जो हैं, ये जनाब पाइप जिन्हों असी परनाले भी कहने हैं जनाब, ये पाइप का सामान, ये गोडे मोडे हर चीज़ जो है आपको यहाँ पे इजीली मिल जाती है। ये रेड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं। अब आपके साथ अंदर का जो विजिट है आपके साथ शेयर करते हैं, और ये जनाब बॉक्स या प्लास्टिक का 142 यूरो का, ये महंगा, ये दुकान है जनाब। हेलो, ये दुकान है जनाब, इस साइड पे पहले शुरू करते हैं, इस साइड पे आप आ जाओ। तो जनाब आपको ये पानी पंप करने के लिए मशीनें, हीटर, नोज़लें, मेज़ां दे छाड़, कंप्रेसर और जनाब ये फूल झाड़ू, काफ़ी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे सस्ती, कुछ देसी स्टाइल वाली चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। जो लगे हुए हैं छली के, टमाटर के, गाजरों के, गोंगलू के, मूली के जनाब, खरबूजे के, सलाद के बीज भी जनाब यहाँ पे आपको मिल जाते हैं हर किस्म के। ये पर्दों का सामान लगा हुआ है इस साइड पे। एक मैंने पहले वीडियो आपके साथ शेयर की थी, वो टैडी वाली, टैडी भी सस्ती मार्केट है, पर उसमें से ये बाउस्टेले कंस्ट्रक्शन वाली जो चीज़ें हैं आपको वो नहीं मिलती, उसके लिए आपको इन मार्केटों पे आना पड़ता है। साइड पे जनाब ये पित्तल की टूटियाँ और ये वॉल को, मेरा भाई इंटरेस्टेड है इन चीज़ों में, उसे जो है वो मुश्किल होती है चीज़ें ढूंढने में। तो जनाब इन मार्केटों में, ये जोंडरान की बोर्ड में आप आओ तो आपको काफ़ी सस्ती चीज़ें जो है मिल जाती हैं। आपको साइकिलों का सामान जो है वो मिल जाता है, टायर, ट्यूब, हर चीज़ जो है यहाँ पे अवेलेबल है और सस्ती। और इस साइड से मैं दोबारा से शुरू करता हूँ जनाब, चाकू भी पड़े हुए हैं यहाँ पे, ओ लाला। ये जनाब काविया, ये घास साफ करने के लिए बर्नल, या जे तुसी देसी बंदे हो जे खरोड़े ले आंदे ने खरोड़े भुनने ने, ते जनाब ये वाला बर्नल आप रखें, आहा हा बड़े प्यारे खरोड़े साफ होते हैं, पाए मज दे पाए, लेले दे पाए जनाब। ये जनाब ये कह लें कि एक हार्डवेयर की दुकान, जिसे हम कह लें कि जर्मनी में हार्डवेयर की दुकानें कुछ इस तरह से होती हैं। इसमें बहुत बहुत बड़ी भी मार्केटें हैं, मैंने कुछ आपको बताया पहले भी, तो ये जो है उन मार्केटों से ये काफ़ी सस्ती है। और जर्मनी में तकरीबन हर बड़े इलाके में ये जो है मार्केट पाई जाती है। और इस साइड पे जनाब हीटिंग का, हाइसुंग जिसे हम कहते हैं, हीटिंग के पाइप और पानी के पाइप भी, सारा सेंट्री का सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये आप देख लें।
और ये टूटियाँ यहाँ पे ज़्यादा सस्ती मुझे यहाँ पे ही लगती हैं, मिलती हैं, क्योंकि घर मेरे की टूटी ये वाली ख़राब हो गई थी, तो मेरे घर के नज़दीक एक बहु मार्केट है, मैंने वहाँ से पता किया था, वो 40 यूरो की दे रहा था, 35 यूरो की, तो यहाँ पे 22 यूरो की है। इसकी भी 2 साल की गारंटी होती है, और वो जो महंगी मार्केटें हैं उनकी भी 2 साल की गारंटी होती है। थोड़ा सा आप आगे आओ, आगे आके आपको हर किस्म के साइज़ का, हर किस्म का आपको जनाब पेच नट काबला जो है आपको मिल जाता है, 5 रुपये किलो के हिसाब से जो है यहाँ पे पेच काबले जो है वो मिलते हैं। कील भी पड़े हुए हैं, ये देख लें, 5 रुपये किलो के हिसाब से। ये आपने ये वीडियो देखी है कि यहाँ पे आपको हर चीज़ जो है कटी कटाई आपके साइज़ के मुताबिक मिल जाती है, और आपने यहाँ से लेनी है और घर जाके फिट कर लेती हैं। और यहाँ पे अक्सर 90% लोग जो हैं घर का काम खुद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मजदूरी जो है बहुत महंगी है और सामान जो है काफ़ी सस्ता होता है। तो यहाँ घरों पे हर बंदे ने जो है चाबियाँ वगैरह जो वर्कसॉइक जिसे हम कहते हैं वो हर एक ने घर में रखा होता है, ताकि कोई भी काम करना पड़ जाए तो जनाब बाहर से चीज़ लाओ और खुद तब्दील कर लो। तो ये जनाब आप दरवाज़े की जहाँ पे दरवाज़ा होता है वहाँ पे जो मैट ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पे पत्रियाँ जो लगती हैं वो भी यहाँ पे मिल जाती हैं। और इस साइड पे अगर आपको लोहे की कोई पत्री चाहिए, लोहे का कोई पीस चाहिए, तो ये भी अवेलेबल होता है यहाँ पे, ये देख लें। और मुझे इस तरह की जाली चाहिए थी, मेरी जो बारबेक्यू करने वाली है वो मेरी टूट गई हुई है, तो मेरी सलाह मैं यहाँ से ना एक जाली जो है वो ले लूँ, इसे काट के और जनाब काम हमारा चलेगा। ये मुझे एक जाली पसंद आई है, ये मैं जाली लेने लगा। इलेक्ट्रिक चूल्हे जनाब 17 यूरो के। ये जनाब एक अलमारी उन्होंने बनाई हुई है, अलमारी क्या है, ये भी एक ओवन टाइप ही है, इसके अंदर यहाँ पे लोग कोले रख के तो जैसे गोश्त मछली जो है ऐसे लटका देते हैं और वो पकाते हैं स्टीम के ज़रिए। ये देखे नीचे कोले जल रहे हैं। और मेरा जो घर है, मेरे घर के ऊपर सबसे ऊपर जो है उन्होंने बनाई हुई है ब्लॉकों के साथ, ये देखें ऐसे नीचे कोले लगा के, तो जनाब ऊपर मछली लटका के गोश्त लटका के तो जनाब आप खाओ। और इस साइड पे जनाब ये जालियाँ हैं, पिंजरा बनाना है आपने, कबूतर कुकड़ियाँ रखनी है, खरगोश रखने हैं, जनाब यहाँ पे आओ जालियाँ लो और बनाओ। ये देखें कितना बड़ा बैर हुआ है, वर्मा, कितना बड़ा वर्मा है, ये देखें। ऐसे लग रहा है जैसे सीख कबाब लगे हुए हैं पर वर्मे हैं ये। यहाँ पे लाइटें, बिजली का सामान, ये जनाब बिजली की वायरिंग के लिए जनाब। इस साइड पे सामान रखने के लिए बड़े बड़े बॉक्स, चाबियाँ, पाने वगैरह। एक मार इस साइड पे भी जनाब हर मार्केटों में सेलें लगती हैं, इनकी बोटें लगनी है, इन्होंने भी इनकी बोटें लगाई हुई हैं, सेल लगाई हुई है, कोई चीज़ें जो इनकी नहीं बिकती तो वो जनाब सेलों में लगा देते हैं। ये आप देख लें रस्सी, संगली, दरवाज़ों के ताले जनाब, अगर आपका ये ताला ख़राब हो जाता है तो जनाब आप आओ और आके यहाँ से ताला लो चाबी समेत और बदल लो।
ये देखें माशाल्लाह से, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त जो है ये शॉप है। ये गाड़ी साफ करने के लिए चीज़ें जनाब लिक्विड गाड़ी के। तो जी ये जी थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर। और अगर आप जर्मनी में हैं और अगर आपको घर के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है तो जनाब ज़ोंडरान की बोर्ड पे आप जाएं, जर्मनी पूरे में ये दुकानें हैं, तो आपको घर के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन की चीज़ों का सामान जो है काफ़ी सस्ता इस शॉप से मिल जाता है। अल्लाह हाफिज़।